अब अगर हम बात करें डेफ्थ की, देखिए हमेशा से मैं कहता रहा हूँ कि 3D एप्लीकेशंस और फोटोशॉप और इन चीज़ों में ब्लैक का मतलब ना होता है और वाइट का मतलब हाँ होता है। तो ये जो ब्लैक कलर है यहाँ कहीं पे भी आपका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, और जो वाइट है यहाँ पे आपका सब जगह इफेक्ट आएगा। अब इस ब्लैक एंड वाइट में मैं डेप्थ मैप को भी एक बार बैकअप के लिए सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसमें अब करने वाला हूँ चेंजेस। ठीक है, बैकअप को मैं ऑफ करता हूँ और आ जाता हूँ मैं अपने डेप्थ मैप पर। ठीक है, इस डेप्थ ऑफ फील्ड DOP डेप्थ ऑफ फील्ड मैप की अगर हम बात करें, तो अभी जो ब्लरनेस अगर मैं दूंगा तो इन वाइट एरियाज पे सबसे ज़्यादा आनी है, उसके बाद ग्रे पर आएगी और ब्लैक पर ऑलमोस्ट ना के बराबर आएगी। ठीक है, अगर मैं इसे कंट्रोल आई कर देता हूँ तो क्या हो चुका, अब इन एरियाज पर ब्लरनेस बहुत ज़्यादा आएगी और जो मेरा ब्लैक एरिया है उस पर ब्लरनेस इतनी नहीं आएगी। ठीक है, दो चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर हमें बैकग्राउंड ब्लैक करना है तो हमने इमेज को इन्वर्ट कर दिया, कंट्रोल आई आपको यहाँ मिलता है, ये इन्वर्ट। ठीक है, इन्वर्ट इमेज 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 इमेज। ठीक है, आपको कंट्रोल आई यूज़ करना है इन्वर्ट के लिए, एडजस्टमेंट ये रहा कंट्रोल आई इन्वर्ट। ये इन्वर्स जो था वो सिलेक्शन इन्वर्स करने के लिए था। ठीक है, तो कंट्रोल आई करके आपने इसे इन्वर्स कर दिया, तो अब ब्लरनेस आपके पास किधर, ये पीछे बैकग्राउंड और इन चीज़ों में आ रही है और यहाँ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये ब्लर हो जाएगा मेरा बैकग्राउंड, ये मेरा बैकअप है और इसे मैंने कंट्रोल जे एक्कोर किया, और ये ब्लर हो जाएगा मेरा फोरग्राउंड, ये मेरा फोरग्राउंड ब्लर और ये हो गया मेरा बैकग्राउंड ब्लर। दोनों में आपको एक बार करके बता देता हूँ, अलग अलग करके बताऊँगा तो आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंड के लिए, समझने के लिए। ठीक है, इन एडजस्टमेंट्स को एक बार मैं हटाता हूँ, डिलीट, ये मेरे पास बैकअप है और ये बैकग्राउंड ब्लर, कंट्रोल जे, ये हो गई मेरी फोरग्राउंड ब्लर। ठीक है, तो हम सबसे पहले फोरग्राउंड ब्लर के साथ वर्किंग कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड को हाइड कर रखा है और ये बैकग्राउंड की लेयर को भी हमने हाइड कर रखा है। करना क्या है आपको, आपको फोरग्राउंड ब्लर करना है। पहले फोरग्राउंड ब्लर करने से पहले आप एरिया डिफाइन कर लीजिए कि आपको कितना ब्लर करना है। क्या हमें बिल्डिंग भी ब्लर करनी है? नहीं ना। आपको किस एरिया को ब्लर करना है? आपको सिर्फ इन्हें ब्लर करना है, ये जो आपको फ्रंट में छोटे छोटे से सफ़ेद सफ़ेद फूल दिखाई दे रहे हैं, बस इन्हें ब्लर करना है। तो सबसे पहले आप इस पर असाइन कीजिए लेवल, आप इमेज एडजस्टमेंट में जा सकते हैं, लेवल्स दे सकते हैं। ओके, मुझे सिर्फ इन्हें ब्लर करना है, तो बाकी चीज़ों को हटा दीजिए, तो बाकी चीज़ों में से वाइटनेस रिमूव कीजिए। सिंपली लेवल्स यूज़ किए हैं और इस ब्लर इमेज में से हमने जो इफेक्ट यूज़ किया है ब्लरनेस का, वो सबसे ज़्यादा इन फ्रंट के पेड़ों में है वाइट, उसके बाद पीछे है और पीछे जाते 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 ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, और इस बिल्डिंग पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसी इमेज पे मैंने ब्रश लिया ब्लैक कलर के साथ, साइज़ मैंने बड़ी की। ठीक है, हमारे पास ये जो ऊपर की कीबोर्ड की कीज़ है QWERTYUIOP, तो P के बाद वाले जो दो ब्रैकेट्स हैं उन ब्रैकेट से ये साइज़ छोटी बड़ी होती है, और यहाँ मैंने ब्लैक कलर पेस्ट कर दिया, ब्रश चला दिया ब्लैक कलर का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बिल्डिंग पे किसी तरीके का ब्लरनेस क्रिएट हो। ओके, अब क्लियर, अब ब्लरनेस आपको सिर्फ यहाँ मिल रही है और वो भी कलर रेंज के साथ, ग्रे एंड वाइट कलर्स के साथ। आप चाहते हैं आपकी बिल्डिंग भी हो, तो ऑब्वियसली आपको बिल्डिंग पे भी
ग्रे रखना चाहिए था, पर मैंने नहीं रखा क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं बिल्डिंग को छोड़कर सारा फोरग्राउंड ब्लर हो, बिल्डिंग ना हो। क्लियर? अब आपको करना क्या है, आपको इसका सिलेक्शन चाहिए तो कंट्रोल के साथ थंबनेल पर कॉपी करना है। हो गई कॉपी? आपको फोरग्राउंड के ऊपर एक मास्क क्रिएट करना है। ये मैंने क्लिक किया मास्क, तो ये फोरग्राउंड ब्लर का नाम से एक मास्क आ गया। आपको जाना है चैनल पर और ये जो फोरग्राउंड ब्लर है इस पर ऑन करके आपको कंट्रोल वी कर देना है पेस्ट। बहुत सिंपल था, मैं वापस से बता देता हूँ। डिलीट चैनल, ओके। आपने फोरग्राउंड डिफाइन कर लिया, आपने फोरग्राउंड को कॉपी कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने फोरग्राउंड पे आकर एक मास्क क्रिएट किया। यहाँ से यही ये रहा मास्क, आपने मास्क क्रिएट किया और इस मास्क में पेस्ट करने के लिए आपने चैनल में जाना है। आप चैनल पे गए और चैनल सेलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया। बाकियों को आप ऑफ कर लीजिए और इस पे आपने कर दिया पेस्ट, तो ये यहाँ हो गई पेस्ट। आप वापस RGB ले लीजिए, इसे ऑफ कर दीजिए, ठीक है, कंट्रोल डी। तो बेसिकली हुआ क्या, इस इमेज में सिर्फ और सिर्फ अब आपको क्या दिखाई देने लग रहा है, आपका फोरग्राउंड जो आपने मास्क लिया था, बाकी चीज़ें अब आपको नहीं दिखाई दे रही बिल्कुल भी। हमने अपनी बैकअप वाली फाइल को ओपन किया, ठीक है, आपकी फोरग्राउंड ब्लर इमेज ये रही, तो आप इस फोरग्राउंड को कर दीजिए ब्लर। मैंने लिया गॉशियन ब्लर, ओके। देखिए जहाँ जहाँ वैल्यू बढ़ा रहे हैं बेसिकली इमेज ब्लर हो रही है ये, ठीक है। अब इसे ज़रूर से ज़्यादा ब्लर तो हम करेंगे नहीं, इतना ही करेंगे जो दिखने में अच्छा लगे। आपने 5 ले ली वैल्यू, ओके ओके। हुआ क्या, आपकी इमेज एकदम शार्प है, क्लियर है। ब्लरनेस आपके कहाँ आई है, सिर्फ आगे जो आपने फोरग्राउंड सेलेक्ट किए थे सिर्फ उन्हीं के पास, ओके। फोरग्राउंड क्लियर हुआ, इसे हम रिमूव कर देते हैं लेयर को। डिलीट लेयर, फोरग्राउंड डिलीट, ओके। अब आती है हमारी लेयर की बात, बैकग्राउंड ब्लर और बैकग्राउंड ब्लर, ठीक है। सबसे पहले हमने हमारे डेप्थ ऑफ फील्ड मैप पर काम किया, हमें लगता है इसमें बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए, लेकिन बिल्डिंग अभी आ रही है तो इसे मैं बिल्डिंग को हटाना चाहूँगा, तो डार्कनेस बढ़ाई मैंने बिल्डिंग में से, ओके। अब बिल्डिंग में से डार्कनेस हट चुकी है, मतलब डार्कनेस आ चुकी है, ब्राइटनेस हट चुकी है, तो अब क्या होगी, बिल्डिंग मेरी ब्लर नहीं होगी। अब ब्लर क्या होगा, पीछे का एरिया जो मेरा बैकग्राउंड है। मैंने किया ओके, बैकग्राउंड पे अब मेरे को चाहिए ब्लरनेस, तो सिंपल बैकग्राउंड ब्लर को मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी, ओके। बैकग्राउंड ब्लर पे मैंने क्रिएट किया मास्क, ओके। चैनल में आकर RGB को ऑफ किया और मैंने ऑन कर लिया किसको, हमारे बैकग्राउंड ब्लर मास्क को, और यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट। ये हमारी मास्क यहाँ पेस्ट हो चुका, हम RGB पे आ गए, इसे ऑफ किया और अब इस लेयर को हमने कर दिया ब्लर और ले लिया हमने गॉशियन ब्लर। तो अब देखिए क्या हो गया, आपकी बिल्डिंग को छोड़कर बाकी सारा एरिया क्या हो रहा है, ब्लर। बिल्डिंग आपकी शार्प है, बैकग्राउंड आपका हो गया ब्लर। 5 लिया आपने, 10 लिया, 15 लिया, अब देख लीजिए आपको कितना ब्लर रखना है पीछे का एरिया, आपने उतना उसे ब्लर कर देना है, ठीक है। तो करीब 10 की वैल्यू मैं रख लेता हूँ ब्लर करने के लिए, ये मैंने ब्लर कर दिया। इसे मैं मास्क को हटा कर देख सकता हूँ, डिसेबल लेयर मास्क, तो कंप्लीट इमेज हो गई, अनेबल लेयर मास्क, ओके। ये मेरी एक्चुअल थी और बैकग्राउंड मुझे नहीं दिखाना इतना, तो मैंने इसे ब्लर कर दिया, ठीक है। अगर मुझे फोरग्राउंड भी ब्लर चाहिए था तो मैं फोरग्राउंड वाली भी लेयर ऑन रख सकता था, ठीक है। तो हमारा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों ब्लर हो रहा है और हमारा जो सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है
सिर्फ वो अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको डेप्थ क्रिएट करने के लिए ब्लर और कलर रेंज दोनों अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से इन दोनों चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। चीज़ों को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अपनी इमेज को थोड़ा सा डीसैचुरेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इमेज है तो इस इमेज को हम करते हैं डीसैचुरेट। आप इमेज को डीसैचुरेट करके भी देख सकते हैं कि आपको मैक्सिमम डेप्थ कहाँ कहाँ क्रिएट करनी है, मतलब ये मेन लाइट सोर्स है आपके, ठीक है। तो मैंने एक नई लेयर बनाई, ओके, ये मेरा लाइट सोर्सेज हैं। ब्रश में गया और मैंने अपनी एक हल्की सी लाइट इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश की, हल्का सा पेड़ ले लूँ, ओके, ब्रश साइज़ बड़ा किया, ये मेरा एक लाइट सोर्स हुआ कर हो सकता है। यहाँ पर मैंने ब्रश चलाया, एक लाइट सोर्स ये है, एक मेरे को लाइट सोर्स अपना गौशन सा ये दिखाई देता है, सॉफ्ट ब्रश लिया मैंने, ये है, ये है, ठीक है, हार्डनेस ज़ीरो है बिल्कुल, ठीक है। अभी यहाँ क्या एकदम गोला सा आ रहा है, तो यहाँ हम क्या ब्रश को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, टैपर कर सकते हैं, तो पर्सपेक्टिव सा हमें फील आएगा, ठीक है। जैसे हमने ये लिया, ओके, ठीक है, थोड़ा पर्सपेक्टिव फील, ओके, यहाँ थोड़ा पर्सपेक्टिव ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये हल्के हल्के वेरिएशन से क्या है कि आपकी नेचुरल दिखना स्टार्ट हो जाती है ये चीज़ें, कि हाँ थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वेरिएशन है, मतलब ये इफ़ेक्ट नेचुरली क्रिएट हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे ये इफ़ेक्ट है, ओके, ये इफ़ेक्ट है, इसमें बेसिकली हम लासो बना लेते हैं, ऑब्वियसली ये इसके पीछे ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसमें मैंने लिया, ओके, इसके ऊपर नहीं आएगा, ये पीछे है इफ़ेक्ट, तो पीछे ले लिया, ठीक है, ओके। लाइट सोर्सेज मेन मैंने ये ले लिए, ओके, डीसैचुरेट इमेज को मैंने बंद किया, हमारी बैकअप वाली को हम वापस से ले लेते हैं, डीसैचुरेट इमेज डिलीट। ये मैंने एक एक्स्ट्रा लाइट सोर्सेज यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की है, और इसे हमने ब्लेंडिंग मोड में चेंज कर लिया, सॉफ्ट लाइट ले लेते हैं, या फिर स्क्रीन करने से लाइटिंग इफेक्ट चाहिए हमें, हार्ड पिन लीनियर विविड हार्ड ओवरलेयर सॉफ्ट लाइट मुझे बेटर लग रही है, ठीक है। तो सॉफ्टली मैंने अपने जो मेन लाइटिंग सोर्सेस थे उन लाइट सोर्सेस को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, हल्का सा गौशन टाइप का फील आने लगा। बैकग्राउंड मैंने ब्लरिश ले रखा है, लेकिन इस ब्लर इफ़ेक्ट को मैंने कुछ ज़्यादा वाइब्रेंट करना है, तो मैं यहाँ से इसे स्क्रीन वगैरह कुछ कर सकता हूँ, तो ये क्या कंपैरेटिवली ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाएंगे, मतलब चमक से जाएंगे, है ना। लेकिन मैं नहीं कहता कि उसे आपको ज़्यादा चमकाने की नीड है, वो नॉर्मल रहे ज़्यादा बेटर है, उल्टा डेप्थ आपकी दिखती रहेगी, आपके फ्रंट पे आपका इफ़ेक्ट आता रहेगा। मैंने ये बॉटम से डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की, ताकि मैं थोड़ा दूर हूँ तो मेरे को हल्की ब्लरनेस ज़्यादा दिखाई दे। तो आपने लेवल्स ले रखा है, और इसे आपने डार्कनेस दी कि डार्कनेस आपके बस इस एरिया में दिखाई दे, बाकी एरिया डार्किश ना दिखाई दे, थोड़े से सॉफ्ट एरिया दिखाई दे, जैसे कि हमने रेडियल में किया था, सेम वही। और इसे आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया, ये वाला एरिया आपका काफ़ी डार्किश हो गया, ठीक है। इस डार्कनेस में हम बेसिकली फिल को थोड़ा कम कर लेते हैं, हम इसमें लेवल्स और डाउन कर लेते हैं, ताकि हमारे सीन में हमें ओके, ठीक है, हल्की हल्की माइनर सी आपको करेक्शंस करने हैं, उन माइनर करेक्शन से ही आपका इम्पैक्ट जो है थोड़ा और रियलिस्टिक और थोड़ा और अच्छा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज़रूर से ज़्यादा चीज़ें करना तो बेवकूफ़ी है, देखिए आपको हल्के हल्के एडजस्टमेंट्स करने हैं, उसी से आपके आउटपुट में चेंजेस आएगी, उसी से आपका आउटपुट थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा,
ठीक है। अब आप और क्या कर सकते हैं, आपके पास लाइटिंग के लिए अलग से GI है, आपके पास जितनी भी लाइटिंग है आपने अलग से लाइटिंग रेंडर कर रखी है, तो इस लाइटिंग को आप ऐड कर सकते हैं सॉफ्ट लाइट, या फिर आप किसी तरीके से देख सकते हैं कौन से ब्लेंडिंग मोड में आप जा सकते हैं। ओवरले अगर आपको डार्क डेप्थ के साथ और लेना है तो कलर डॉज, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि मैं जो यूज़ कर सकता हूँ ब्लेंडिंग मोड के साथ, वो कलर डॉज है, जो बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेंसी के साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मैं कहीं अभी खास यूज़ नहीं कर सकता, मुझे नीड नहीं लग रही इसकी कहीं पे भी यूज़ करने की। ठीक है, वाई कलर हम यूज़ कर चुके हैं, हमने एक स्पैकुलर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड से रेंडर किया है, तो इसे हम ऐड कर सकते हैं हमारे सीन में। हम कलर डॉज ले सकते हैं अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट चाहिए तो, हम स्क्रीन ले सकते हैं अगर हमें सॉफ्ट इफेक्ट चाहिए तो। ठीक है, हम इसे स्क्रीन लेना ज़्यादा ठीक लगेगा, थोड़ी सॉफ्टनेस आएगी मेरे सीन में। ठीक है, और मैं लीनियर डॉज देख लेता हूँ, स्क्रीन और लीनियर डॉज में से मुझे क्या पसंद आ रहा है। ठीक है, मैं लीनियर डॉज पसंद करूँगा क्योंकि नाइट का इफेक्ट है, तो लाइट्स की जो ये ठीक है लाइट्स का जो इफेक्ट मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो मुझे ठीक लग रहा है। ये दिख रहा है फ्रंट में आपको लाइट के इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, आप रेलिंग की बात करें तो ये कुछ ज़्यादा अच्छे से, तो मुझे लीनियर डॉज ऐड करता हुआ ज़्यादा ठीक लग रहा है। आपके SS के पाइप्स देखिए ज़्यादा अच्छे से नोटिस में आ गए हैं, है ना, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा ऐड करने का। ओके, और जितनी भी चीज़ें या जितने भी एडजस्टमेंट आपने किए हैं अगर आपको लगता है कि वो सफिशिएंट है, तो इन सब की एक क्रिएट न्यू लेयर करके इनको मर्ज कर दीजिए सिंगल लेयर में। ये कम्प्लीटली आपका एक मर्ज लेयर आ चुकी, मर्ज लेयर। ओके, इस मर्ज लेयर को आप कुछ एक्स्ट्रा फिल्टर्स के साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि कैमरा रॉ फिल्टर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा फिल्टर है एक तरीके से, जिसका हम यूज़ करते हैं हमारे एक कंबाइंड आउटपुट पर वर्कआउट के लिए। आपको लगता है कि आप टेम्परेचर में प्ले कर सकते हैं तो आप सिंपली टेम्परेचर पे प्ले कर लीजिए, आपको वार्म शेड में जाना है सीन में तो आप इसे वार्मिश बना सकते हैं। ठीक है, सीन को आपने वार्मिश क्रिएट कर दिया, आपको लगता है आपको कूल शेड में जाना है तो आपने यहाँ पर इसका टिंट चेंज कर दिया, कूलिश मेजेंटा कूलिश जाना है तो आपने यहाँ मेजेंटा कूलिश शेड ले लिया। ठीक है, आपको वार्म ठीक लगता है तो आपने वार्म लिया। ओके, डिपेंड ऑन योर चॉइस, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके, आप एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं कि बेसिकली आपका लाइट सोर्स कहाँ है। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ जब आप एक्सपोजर वगैरह बढ़ाते हैं तो आपका जो बेसिक डेप्थ आपने पहले क्रिएट की थी वो इतनी डिस्टॉर्ट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि एक्सपोजर में बेसिकली जो एरिया हाइलाइटेड है वो सबसे पहले कंपैरेटिवली ज़्यादा हाइलाइट होता है, देन दूसरे एरिया। कंट्रास्ट आप बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी डेप्थ वगैरह क्रिएट रहे। हाईलाइट टोन अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा बर्न हो रही है तो इसे आप हल्का सा डल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं स्काई की बात करूँ, जैसे आप एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं आपका स्काई क्या हो गया, एकदम वाइटिश हो गया जितना जितना आप एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप हाईलाइट को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो एकदम सफ़ेद ना हो जाए और वो अपनी कलर इन्फॉर्मेशंस को छोड़े नहीं। कलर इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए आप हल्की सी इसमें वाइब्रेंसी बढ़ा सकते हैं, वाइब्रेंसी आपके कलर्स की शेड्स को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, सैचुरेशन उसमें कलर्स को बहुत ज़्यादा ऐड कर देगा। तो सैचुरेशन तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर थोड़ा सा डाउन ही कर लें,
या फिर जो है वही रहने दे तो ज़्यादा बेटर है। वाइब्रेंसी के साथ आप प्ले कर सकते हैं, सैचुरेशन हम वही रहने देते हैं जो है। ओके अब यहाँ आपके पास क्लैरिटी, टेक्सचर और डेजनेस आती है। क्लैरिटी आप जितनी बढ़ाएंगे आपकी इमेज उतनी शार्प होती जाएगी, क्रिस्प शार्प, ठीक है। और जितनी क्लैरिटी आप कम लेंगे आपकी इमेज में ब्लरनेस, गॉशन फील ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब देखिए आपकी इमेज कंप्लीट ब्लरिश हो चुकी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टूल है, लेकिन इसका यूज़ आपको बहुत सोच समझ के करना है कि इससे बेसिकली आपकी इमेज की डिटेलिंग भी ना जाए और इमेज गॉशन और अच्छा फील भी दे दे, ठीक है। तो यहाँ से आप इमेज को जूम कर सकते हैं, 100% पे देख सकते हैं, फिट कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपली स्पेस प्रेस करके पैनिंग भी कर सकते हैं। तो क्लैरिटी अगर हम देखें, डिटेलिंग की बात हम देखें, तो डिटेलिंग सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ इन चीज़ों पे दिखाई दे रही है, जैसे मैं प्लास्टर वगैरह है तो मुझे लगता है मैं -35 तक जा सकता हूँ इसे। ओके -35 तक मैं इसमें जा सकता हूँ। ऑलरेडी बैकग्राउंड पे मैंने ब्लर दे रखा है तो वो भी ज़्यादा ब्लर हो रहा है, -20। टेक्सचर्स बेसिकली ये मेंटेन करने की कोशिश करेगा मेरे टेक्सचर्स की डिटेलिंग को, ठीक है। जैसे अगर मैं अपने फ्लोर को देखूं, मैं आता हूं अपने फ्लोर पर, टेक्सचर डिटेलिंग को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ये देखिए। और यहाँ बेसिकली जब हमने ब्लरनेस या क्लैरिटी दी है तो वो टेक्सचर डिटेलिंग को खा जाता है। तो उस टेक्सचर डिटेलिंग को वापस से एनकैश करने के लिए, मैक्सिमम एनकैश करने के लिए हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। ओके तो हमारे पास थोड़ी टेक्सचर की डिटेलिंग वापस आ गई, ब्लरनेस है, गॉशन फील है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास और बहुत से एडजस्टमेंट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, इन सबको आप प्ले करके देख सकते हैं। इन सबसे भी काफ़ी अच्छे वर्किंग होती है, इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप यूज़ करके देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सपोजर के साथ हल्के से हाईलाइट को कम कर लेते हैं। ओके या ठीक है। और इस इमेज में आपको ये लाइट का वार्मनेस थोड़ा कम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपको मैंने मोटा मोटा कलर रेंज और डेप्थ, इन दो चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ तो हेल्प मिलेगी इससे कि आप कलर रेंज और इन चीज़ों के साथ वर्क कर सके, डेप्थ क्रिएट कर सके, सीन को थोड़ा अट्रैक्टिव और मोर रियलिस्टिक बनाने में हेल्प कर सके। मुझे लगता है सैचुरेशन में मुझे इसकी येलो सैचुरेशन थोड़ी कम करनी चाहिए, तो हल्की हल्की मैंने सीन में से येलो सैचुरेशन को कम किया, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही येलो हो रहा था, मैंने येलोनेस को थोड़ा सा इसमें कम किया है। ओके 50%, ओके ठीक है, हल्का सा येलो को कम किया है। यहाँ मेरे पास एक और ऑप्शन मिलता है, एक और काम करने के लिए मेरे पास है कि ये जो एंट्रेंस है ये बड़ी ही आर्टिफिशियल लग रही है। तो हमारे पास वाई कलर टूल है तो हम वेंट टूल से सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस एंट्रेंस पे हम क्या दिखाना चाहते हैं या क्या नहीं। आप कोई इंटीरियर वगैरह ले सकते हैं जो इसमें आपको अच्छे से दिखाई दे, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। ओके गूगल इंटीरियर इमेज, मुझे कुछ इस टाइप की इमेज लेनी है जो मेरे पर्सपेक्टिव को मैच कर जाए, ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ी सी रियलिस्टिक सी लगे। एंटर होते ही बेसिकली बेड नहीं दिखाई देगा, और इसमें बेसिकली आपकी सीलिंग वगैरह आपको दिखाई देनी चाहिए थी, फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो। हम ये सीलिंग वाली इमेज ले लेते हैं, दोनों इमेज को सेव कर लेते हैं। ओके डेस्कटॉप पर हम ले लेते हैं 1, ओके ऑलरेडी 1 है तो इसे हम लेते हैं 10, सेव।
एंड सेकंड हमने सीलिंग वाली ले रखी है, सेव इमेज, इसे हम ले लेते हैं 9. ओके सेव फोटोशॉप. ओपन डेस्कटॉप पर एक तो आपकी इमेज है 10 और एक है 9. तो 10 and 9 ओपन. ठीक है, एक बार आप सिलेक्शन को रिमूव कर सकते हैं यहां से, या फिर आप चाहे तो सिलेक्शन को सेव कर सकते हैं. जैसे सेव कैसे, ये एरिया भी ले लेता हूं मैं, सॉरी ये नहीं लेना. सिलेक्शन, सेव सिलेक्शन फॉर इंटीरियर. ओके कंट्रोल डी सिलेक्शन रिमूव. सबसे पहले बॉटम में ये आनी चाहिए इमेज. ओके मूव इट. आपको पोजीशन देखनी है, इसे कहां प्लेस रखना है. थोड़ी पैस्ट्री के साथ मैं प्ले कर सकता हूं. कंट्रोल टी से हम बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इमेज को. ट्रांसफॉर्म का मतलब हम स्केल कर रहे हैं इमेज को. कंट्रोल टी की हेल्प से ओके सेट. और यहां हमने लिया लोड सिलेक्शन कौन सा फॉर इंटीरियर, और यहां पर आपने क्लिक कर दिया मास्क. ठीक है, ये आपकी इमेज है. ठीक है, बेसिकली आप ओवरले भी कर सकते हैं अगर डार्कनेस आपको दिखानी है तो, ताकि बाहर का रिफ्लेक्शंस वगैरह मेंटेन रहे, वो इस इमेज के ऊपर उसी तरीके से कलर शेड के साथ वर्किंग करता रहे. और नहीं तो आप इसे नॉर्मल रखकर यहाँ फिल के साथ पेस्टिक के साथ इसकी प्ले कर सकते हैं, ताकि ये हल्का हल्का फेड आउट होता हुआ सा हमें दिखाई दे जाए. ठीक है, तो लगभग मुझे ये ठीक लगता है. मैं ऊपर वाले के ऊपर आता हूँ वापस से. तो ऊपर वाली इमेज हमारी क्लोज, हमने ये ली मूव. ओके थोड़ा सा ओपेसिटी डाउन करके सेट करते हैं. सीलिंग वाला पार्ट है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं. ओके वैसे सीलिंग अगर देखी जाए तो यहाँ तक दिखाई दे रही है, तो आपको इसे फिर बड़ा करके लगाना चाहिए. ठीक है, कैमरा एंगल बेसिकली परफेक्टली सूटेबल नहीं है इसके लिए, लेकिन मेरे पास कोई ख़ास दूसरा ऑप्शन है नहीं, और मैं ज़्यादा सर्चिंग अभी करना नहीं चाहता नेट पर. ठीक है, तो कोई ख़ास सूटेबल ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा. तो एक बार हम इसी को असाइन कर रहे हैं. ओके फिल्टर नहीं, सिलेक्शन लोड सिलेक्शन फॉर इंटीरियर. ओके अब चीजों में थोड़ा पेशेंस रखें, बनाए ढूंढे तो क्या होगी, आपकी चीजें अच्छी बनेगी. डिफॉल्ट ब्लैक कलर, सॉरी ब्लैक
ब्लैक कलर आपने फिल कर दिया, ओके। ठीक है, ऊपर का सेट नहीं हुआ है, ऊपर वाली को अच्छे से सेट करने के लिए आपको एक अच्छी इमेज सर्च करनी है जो इस टाइप का फील आपको देता रहे, ताकि जिसमें सीलिंग अच्छी सी बनी हुई हो, क्योंकि सिर्फ सीलिंग सीलिंग दिखेगी। ठीक है, तो ग्राउंड का आपने एडजस्ट कर लिया इजीली, हमने आराम से इमेज मिल गई तो आराम से सेट हो गया। इसे आप सेव कर सकते हैं इमेज को, चाहे तो, नहीं तो ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं फोटोशॉप फाइल सेव कर देता हूँ इसकी, ओके। और एक बार आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल इमेज इनिशियल स्टेज पे हम जो लेके आए थे उसमें हमने करेक्शंस किए हैं तो क्या क्या किए हैं, वो एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये हमारे पास इमेज है जो हमने कुछ एक एडजस्टमेंट के बाद किया है, और एक्चुअल हम ये लेके आए थे, ये हमारी एक्चुअल थी और ये हमने किए हैं एडजस्टमेंट्स। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि चीज़ों में डेप्थ किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, कलर रेंज के साथ हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, और कलर शेडिंग, ब्लरनेस और हाईलाइट टोन, टेक्सचर डिटेलिंग को हम और कितना इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये बेसिक फोटोशॉप पोस्ट एडिटिंग वर्क होते हैं जिसके साथ हम वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या था, हम चाहते थे कि जिन बंदों ने इस कॉन्टेस्ट में पार्ट किया है, 5000 जो जीतना चाहते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में घर पर रहकर सेफ रहकर, ठीक है, उन लोगों को हेल्प मिल जाए। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया था, और हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं, इस कॉन्टेस्ट में आपको पार्ट करना है तो आप पार्ट कर सकते हैं, सिंपली अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। और बेसिकली अगर आपको कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह की नीड है तो जो करीब करीब 4000 वर्थ की क्लासेस हैं मेरी, वो मैं 700 में दे रहा हूँ, और ये वो चार क्लासेस हैं जो आपको 700 में मिलेगी। उसके अलावा भी आप होम पर जाकर और मेरे कुछ एक ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप उन्हें डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी कॉस्ट लगभग 4000 ही मिलेगी आपको। कोई कुछ एक क्लासेस होगी जो आपको थोड़ी कम में मिल जाए, बाकी लगभग क्लासेस जो है वो सारी 4000 और इसी कॉस्ट की मिलेगी, हाई रेंज की ही मिलेगी। और इसीलिए मैंने बेसिकली इस कॉन्टेस्ट के नाम पर ही सही, लॉकडाउन के नाम पर ही सही, अपनी कुछ क्लासेस आपको 700 में दी है, ताकि आप घर पे रहें, आराम से पढ़ते रहें, सीखते रहें। और अगर कोई ज़्यादा फ्रीलांस वर्क नहीं है तो आप कुछ अर्निंग भी कर सके, ओके, लर्निंग विथ अर्निंग। तो होप यू लाइक माय वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्टेस्ट के बारे में पता चले। और होप ये जो फिगर 11 है ये करीब करीब 20 पार्टिसिपेट्स तक तो पहुँच ही जाए, क्योंकि आपको इसका सबमिशन मुझे 5 अप्रैल तक देना है, टिल 12:00 मिडनाइट। तो बहुत दिन है अभी आपके पास, आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।